हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर हम सफर सफर कामयाबी तक। तो दोस्त, हम लोग आज उपस्थित हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे का सीरीज को सोल्व करने के लिए। चलिए दोस्त, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, इफ टेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन टू ए बी इज इक्वल टू वन। अब देखिए, मैंने कल भी इस तरह का टाइप आपको करवाया था कुछ इस प्रकार से कि टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी। तो ऐसी अवस्था में ए प्लस बी का वैल्यू कितना डिग्री हो जाता है दोस्त, यानी ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री। अब देखिए, यही चीज को मैं क्या कर रहा, इस चीज को यहां ला रहा, तो कॉट बी और यहां पे वन। ठीक है, अब इस चीज को ऊपर ले जाएंगे तो आप जानते हैं कॉट है, उसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। मीन्स टेन ए और इंटू टेन का वैल्यू वन होता है जब ए प्लस बी का वैल्यू कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है पॉइंट समझ में आ रही होगी। अब देखिए, यहाँ टेन ए और यहाँ टेन बी अभी बराबर एक जब हो जाए तो इन दोनों का सम कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का सम जो होगा वो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। अब आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसका सम करेंगे तो प्लस टू ए बी। मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मीन्स क्या हो गया भाई, ए, हाँ इसी को इधर लिखते जाऊं ज्यादा क्लियर हो पाएगा। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का जो वैल्यू है आपका 90 डिग्री आ पाया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं और यहाँ 90 डिग्री। अब देखिए, हमें ए प्लस एक ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर बाई टू माइनस रूट टू का वैल्यू पूछा हुआ है। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं किस चीज को, यानी ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर को, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 बाई टू कहने का मतलब क्या, 45। और सेक 45 का वैल्यू आप जानते होंगे क्या, कि रूट टू होता है, और रूट टू माइनस रूट टू का वैल्यू पूछा हुआ था, कैंसिल आउट हो गया, यानी आंसर इसका कितना बन पाएगा, जीरो। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ 24 cos थीटा प्लस 7 sin थीटा इज इक्वल टू 25। यही क्वेश्चन है हमारा, तो इतना का वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब देखिए, एक चीज और भी हमने आपको भी पहले भी बता रखा था, ऐसे आप जानते क्या है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच स्क्वायर, इतना होता है। जब हम एच से हम क्या कर दे, भाग दे दे, तो पी इंटू पी वाई एच बचेगा और बी इंटू बी वाई एच होगा और एच स्क्वायर बाई एच हो जाएगा। ठीक है, पी वाई एच आप जानते हैं साइन थीटा, और बी वाई एच क्या, कॉस थीटा, और एच वाई एच एच ही बच जाएगा। तो देखिए, कॉस थीटा के बगल में आपका क्या बन जाता है, बी बन जाता है, और साइन थीटा के जो बगल में रहता हुआ पी बन जाता है। वही वाली बात, मीन्स पी बी और एच है जो ट्रिपलेट है अर्थात पाइथागोरस को फॉलो करेगा। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाए, फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यह जो है पी का वैल्यू है, यह बी है और यह एच है। अब आप बताइए कि कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, एच कहने का मतलब एच कहे तो कितना, यानी 25 बाई पी कहे तो 7। उसी तरह से कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, तो बी कहे तो आपका 24 और पी कहे तो आपका कितना हो जाएगा, पी कहे तो आपका 7। एलसीएम लेंगे तो कितना, 25 और 24, 25 24 49 67 49 मीन्स इसका आंसर जो आ पाएगा आपका 7। क्लियर है, हाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। यह भी क्वेश्चन आपको पहले मैंने करवाया है, यदि आपको कुछ कंसेप्ट इसका पता लग रहा है तो वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने आपको बताया था कि a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू, यदि रूट थ्री हो तो a सिक्स का जो वैल्यू है इसमें कितने के बराबर आ पाते हैं, माइनस वन के बराबर। अब देखिए, इस माइनस वन को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और वन हो जाएगा और यहाँ जीरो आ जाएगा। अब ए सिक्स किसी का पावर जीरो तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। ठीक है, बराबर जीरो। अब देखिए, दोनों तरफ हम ए से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ए सेवन ए वन यहाँ जीरो, जीरो से गुना करेंगे तो मीन्स यही हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, कि जब दोनों का बेस सेम हो और उसका पावर का अंतर यदि छह हो तो उनका सम जो होता है कितना के बराबर होता है, जीरो के बराबर। अब देखिए, यहाँ पे a प्लस वन बाई ए बराबर रूट थ्री हो गया। ठीक है, तो a और यहाँ पे भी ये बेस सेम हो गया और पावर का अंतर कितना हो गया, छह का, तो पावर का अंतर छह तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, कैंसिल हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, क्या बेस सेम है, पावर का अंतर कितना का, छह का है, इसका मतलब इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो आंसर कितना बचा, यानी पांच। क्लियर है,
चलिए वीडियो को आप पॉज कीजिए और सेम कंसेप्ट पे मैंने आपको सीखने के लिए यही क्वेश्चन को लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा डेटा को चेंज कर दिया और कुछ इसमें हमने नहीं किया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप सॉल्व करिए, तब देखिए कि यहाँ क्या इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। हाँ अब देखिए बेस सेम सब ए तो है, लेकिन यहाँ पे ए प्लस 1/a बराबर रूट थ्री रहे तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ए सिक्स का पावर a का पावर 6 जो होगा वह माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस जगह पे 16, तब देखिए एक साथ नहीं लिखा है, थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया, 10 6 16, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोनों का, जब अंतर 6 हो तो वैल्यू 0। अच्छा 64 अच्छा कितना 70 मीन्स खत्म हो गया यार। चलिए बचा कितना भाई, a का पावर 12 और माइनस 1, तो क्या a का पावर 12 को हम लिख सकते हैं, a का पावर क्या 6 और यहाँ 2 छा दूना 12, ठीक है प्लस 1। अब a का पावर 6 रहे तो इसका वैल्यू माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर यानी क्या होगा प्लस 1, 1 प्लस 1 यानी इसका आंसर जो टोटल आ पाएगा आपका 2 आ पाएगा। क्लियर है भाई? यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं दोस्त, ताकि मैं आपकी समस्या को और भी जान सकूं और उसमें उसकी उस चीज़ को समाप्त करने में मैं मददगार बन सकूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक न्यून कोण त्रिभुज में ए डी बी ई और सी एफ क्या दिए गए हैं, एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं अर्थात शीर्ष लंब दिए गए हैं और एच जो है ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। बी एस सी का वैल्यू 32 डिग्री, तो बी एस सी का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। अब देखिए एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ए बी सी हमने बना लिया, ठीक है। अब बनाने के बाद देखिए ए डी बी और सी एफ एल्टीट्यूड का हुआ है, ए डी बी ई और सी एफ, अब देखिए हाँ यहाँ एफ करेंगे। अब देखिए एल्टीट्यूड का जो मिलान बिंदु होता है, सिर्फ लंबों का जो मिलान बिंदु होता है वह ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र होता है, ठीक है। और यहाँ पे दे भी रखा है कि एच जो है आपका ऑर्थो सेंटर, एच जो है आपका ये क्या है ऑर्थो सेंटर है। एंगल बी ए सी दिया हुआ है, बी ए सी जिस एंगल को लेना होता है उसे बीच में, ठीक है। तो यहाँ कितना डिग्री दिया हुआ है 32 डिग्री। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बी एच सी क्या होगा, बी एच सी क्या होगा मीन्स यह एंगल पूछा हुआ, यही वाला पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस चीज का एकदम आसान सा सॉल्यूशन है कि जब यह ऑर्थो सेंटर हो जाए, लंब केंद्र हो जाए, ठीक है, तो यहाँ जो बना कोण होगा और यहाँ जो बना कोण होगा इन दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी कहने का मतलब 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब इसे और इसे जोड़ने पे 180 आने चाहिए, तब सोचिए यानी इसे हमने एक्स मान लिया, ठीक है, प्लस 32 180 कर दिया, ठीक है। इधर घटाएंगे तो 30 तो ऐसे घट गया, 2 और मीन्स कितना डिग्री, x का वैल्यू आपका कितना डिग्री 148 डिग्री आ गया। मीन्स किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, x मान लिया, मानने नहीं चाहिए थे, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, और आप जल्दी कर पाए समझ पाए इसके लिए हमने x मान लिया, नहीं तो डायरेक्ट तो मैं लिख दे सकता था 148 डिग्री। ले दोस्तों यह 5 क्वेश्चंस का सीरीज आपका कंटिन्यू ही रहेगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट कर करके हमें बतलाएं कि और किस प्रकार की आपकी एग्जामिनेशंस के लिए वीडियो लाने चाहिए, कौन सा सेक्शन आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपकी ज़रूरत को देखते हुए मैं इन सभी सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आई, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, जय हिंद।